ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 8 सितंबर 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:48 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करते हुए, एक दबाव में निफ्टी इंडेक्स है। क्यों यहाँ से और फॉल अगर गहराता है तो यहाँ पर बुल्स के ऊपर काफी प्रेशर आ जाएगा, तो एक सपोर्ट के आसपास निफ्टी इंडेक्स टेस्ट कर रहा है, तो देखते हैं आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 7 सितंबर आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,361 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,271। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ, यहाँ पर हर्डल फेस करके ये टुवर्ड साउथ की तरफ आया। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हुआ था। लो इसने 11,251 का लगाया और यहाँ से ये फिर से एक बार टुवर्ड्स बाउंस बैक करने की नॉर्थ की तरफ कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा दिन एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड कर रहा था। जो रेंज था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल का, इसी के बीच में ये ट्रेंड कर रहा था। एग्जैक्ट इसने ब्रेकआउट लेवल का 2 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ पर ये 3 बजे के बाद इसने ब्रेकआउट को ब्रेक किया था ब्रेकआउट लेवल को। तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता, 3 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। अगर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल US मार्केट बंद था, वहां पर लेबर डे की छुट्टी थी। यूरोपियन मार्केट्स देखे, कल तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली, गिरावट में चल रहे लास्ट 3 दिन से कमजोर दिखाई दे रहे यूरोपियन बाजार, लेकिन कल वहां पर एक मजबूती देखने को मिली हफ्ते के पहले दिन। एशियाई बाजार आज देखे तो जापानीज इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, हालांकि अभी फिलहाल SGX निफ्टी कमजोरी दिखा रहा है 16 पॉइंट की। डाउ फ्यूचर देखे तो 173 पॉइंट की अभी इस समय तेजी दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल एशियाई बाजारों से हल्के से मजबूती के संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया। आप देख पा रहे 50% का ये जो लेवल था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था। एक दिन पहले यानी फ्राइडे को भी यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ था। कल इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये टुवर्ड्स 11,270 जो कि 61.8% का लेवल है, यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करने आया था। ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की। हालांकि ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हैं ये 20 EMA का लाइन है, एग्जैक्ट इसी के पास ये हाई लगा रहा था, इसके ऊपर ये जा नहीं पाया। तो एग्जैक्ट अभी 20 EMA रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है 20 EMA के ऊपर, और उसके बाद अगर कोई यहाँ पर ऐसी ग्रीन कैंडल अगर आती है तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से फिर से हमें अपसाइड मूव देखने को मिले, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो न्यूज आई थी, खबरें आई थी, उससे थोड़ा सा FII देखे हमने काफी सेलिंग उन्होंने किया था 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो उम्मीद बढ़ जाएगी कि यहाँ से फिर से टूवर्ड्स अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 11,230 को अगर ब्रेक करता है तो ये जो 50 EMA का ब्लू लाइन है ये अराउंड अभी 11,074 के पास है, यानी 11,100 और 11,050 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट का यहाँ पर ये लेवल मिल रहा है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो 60 मिनट के चार्ट में चलते क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल का अगर आप पैटर्न देखें तो टोटली ये साइडवेज पैटर्न है। ये देखिए ये यहाँ पर, और इसके ठीक रेंज में अगर कुछ दिनों पहले अगर हम जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसीलिए रेंज में
कुछ दिनों पहले एग्जैक्ट यही पैटर्न देखने को मिला था, कंसोलिडेशन फेज, और उसके बाद यहाँ से ये अपसाइड मूव। तो अगर यहाँ पर ये जो रेंज बन रहा है अभी कल का, ये जो साइडवेज पैटर्न था, इसका जो अपर बैंड है यानी ऑलमोस्ट ये 20 EMA के पास आ रहा है, ठीक है, तो इन 20 EMA के पास ये हर्डल फेस कर सकता है। उसके ऊपर देखे तो R1 का यहाँ पर पिवट पॉइंट का एक लेवल है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए 11,406 को। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,427, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,451, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो आप देख सकते हैं इस लेवल के नीचे कल ये क्लोज नहीं हो पा रहा था, पेनेट्रेट कर रहा था लेकिन ऊपर आके ये क्लोज हो रहा था, तो इसका जो क्लोजिंग लेवल बन रहा है कल का, लास्ट क्लोजिंग लेवल टूवर्ड साउथ की तरफ, ये 11,292 बन रहा है। तो अगर इस लेवल के नीचे ये अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 11,277 के पास है, और सेकेंड टारगेट होगा 11,260। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच। नया